अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर प्रदेश सरकार खुलकर सामने आ गई। उसकी मंशा क्यों नहीं अब तक दे रही थी, डबल बेंच का आदेश क्यों नहीं मान रही थी सरकार, ये क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है अनुदेशक मानदेय 17,000 की रोक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़, जो कि है आपके संघर्ष का साथी। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त डीके देव। अनुदेशकों को एक सत्र के लिए 17,000 रुपये मानदेय देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर 2 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है साथियों। जब से ये मामला संज्ञान में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अनुदेशक मानदेय 17,000 को चुनौती दी है, तब से मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ ये समाचार वायरल हो रहा है। राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर इसे चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया था, जिसका बजट भी जारी किया था, किंतु यूपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुदेशकों को 2017-18 में 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज के देने के लिए आदेशित किया गया, लेकिन सरकार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कि आगे सरकार इस पर निर्णय ले, ये सरकार पर छोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन पीड़ित अनुदेशकों के सम्मानजनक मानदेय को सरकार ना सोचे। सरकार के हर तरह से अनुदेशक साथ रहते हैं, हर तरीके से शासन प्रशासन की हर बात को मानना है और मानते रहेंगे, लेकिन सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है ये अभी भी पहेली बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं उच्च अधिकारी माननीय योगी जी महाराज को गुमराह करना चाहते हैं और उनके लिए बड़ा नुकसान करने की तैयारी में, उनको उनके कार्यशैली को बदनाम करने की जुगत में लगे हुए हैं ये उच्च अधिकारी। इन्हीं के वजह से महाराज जी को गुमराह किया जा रहा है और अब तक अनुदेशकों का डबल बेंच आदेशित मानदेय 17,000 नहीं मिल पाया है। साथियों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दमदारी से लड़ेंगे अनुदेशक तन मन धन से और विजय अवश्य प्राप्त होगी। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।